होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, लेकिन यदि किसी की झलकती हुई आंखों को ना पढ़ पाओ तो तुम अनपढ़ हो। अपना दर्द सभी को ना बताएं, क्योंकि मरहम हर एक घर में नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में पाया जाता है। इसलिए आप अपना दर्द अपने पास रखें या फिर कुछ अपने खास लोगों को ही बताएं। कच्चा घर देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना। तजुर्बा है मेरा कि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, क्योंकि संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते ही देखे हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझा सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को आप समझाइए मत, उसे आप वक्त के हवाले कर दीजिए। इंसान इस दुनिया में तीन चीजों के लिए ही मेहनत करता है। पहला कि उसका नाम ऊंचा हो, दूसरा कि उसके लिबास अच्छे हो, और तीसरा कि उसका मकान अच्छा हो। लेकिन जब वो मरता है तो ये तीनों चीजें ही सबसे पहले बदलती है। उसका नाम हो जाता है स्वर्गीय, उसके लिबास हो जाते हैं कफन, और उसका मकान हो जाता है शमशान। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी की सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जीवन में हमेशा याद रखना कि यदि आप सच कहते हो तो आपको बाकी किसी चीज को याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम तो कोई ईसाई है, सबने इंसान ना होने की कसम खाई है। संघर्ष ही जीवन का नियम है, और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वो एक जिंदा लाश की तरह जिएगा। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा भगवान, इम्तिहान भी सख्त लेता है और कभी हारने भी नहीं देता। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा समय जरूर ला सकता है। जो है उसी से शुरुआत करें, जहां है वहीं से शुरुआत करें। परफेक्ट मौके के चक्कर ने न जाने कितने सपनों को बर्बाद कर दिया है। जीवन में हमेशा शांत रहिए, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा जब ठंडा होता है तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो कोई भी व्यक्ति उसका आकार बदल देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए शांत रहिए। समझदार इंसान कभी चिंता नहीं करते, वो हमेशा चिंतन करते हैं, और मूर्ख इंसान हमेशा चिंता करता रहता है, वो हमेशा समस्या के बारे में सोचता है, न कि ये कि उस समस्या का हल कैसे निकलेगा। जहां विश्वास होता है वहां सबूत की जरूरत नहीं होती, आखिर कहां गीता पर भी श्री कृष्ण के हस्ताक्षर है। इसलिए जिस पर विश्वास करो पूरा करो, नहीं तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। सांप यदि घर पर दिखे तो लोग उसे डंडे से मारते हैं, और यदि शिवलिंग पर दिखे तो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं बल्कि आपकी स्थिति और आपके स्थान का करते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। मत करो गुरूर खुद पर इतना, क्योंकि खुदा ने न जाने कितने बनाए और कितने मिटा दिए। घमंड शराब के जैसा होता है, खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं होते हैं। कितना बुरा लगता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोले और आपको सच पता हो। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना जमाने में, लोग कटी पतंगों को जमकर लूटा करते हैं। मुसीबत से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टान से न टकराए वो झरना किस काम का। अकेले ही गुजरती है जिंदगी, लोग तसल्ली तो देते हैं लेकिन साथ नहीं। हमारा ज्ञान हमारे अनुभव से आता है और हमारा अनुभव हमारी मूर्खता से। जिंदगी में हर किसी के लिए दुआ करो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआओं का इंतजार कर रही हो। ये निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करता। जिंदगी में कठिनाई आए तो उदास मत होना, याद रखना कि कठिन रोल एक अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश करना बंद कर दो, आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी तो सभी के लिए वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग दिल से जी रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ दिल रखने के लिए जी रहे हैं। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचो। मनुष्य के दो रूप हैं, एक वो जो अंधकार में भी जागता रहता है और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहता है। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। तो यदि आप भी देते रहेंगे तो मीठे बने रहेंगे,
लेकिन यदि लेते रहेंगे तो खारे बने रहेंगे। पहाड़ की ऊंचाई कभी भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। भरोसा यदि खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और यदि दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव अपने साथ बहाता है, जिंदा मछली तो अपना रास्ता खुद बनाती है। दिल खोलकर अपनी जिंदगी को जी लो यारो, क्योंकि जिंदगी अपना इतिहास फिर से नहीं दोहराएगी। तुम हार जाओ मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, चिंता मुझे इस बात की है कि तुम हार कर कहीं बैठ ना जाओ। हम सबको सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। मुसीबत में यदि मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़े समय की होती है लेकिन एहसान जिंदगी भर का होता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में बहुत पल ऐसे आएंगे जब लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे और कहेंगे कि ये तेरे बस का है ही नहीं, तुझसे हो ही नहीं पाएगा, तू बना ही नहीं इस चीज के लिए, तेरी तो खाते नहीं इसे करने की। अब आज बस तुम फैसला ले लो कि करना है या डरना है। हर वो इंसान आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका शत्रु ही हो, वो आपका मित्र भी हो सकता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि वो आपका शत्रु है या फिर शुभचिंतक। गुस्सा अकल को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच इंसान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है और रिश्वत इंसान को खा जाता है। पता है दुनिया में कौन सी चीज है जो फ्री में मिलती है? धोखा। धोखा। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब किसी एक का हद से ज्यादा प्यार किसी दूसरे को बोझ लगने लगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। प्यार करो पर दुख मत देना, किसी को आंसुओं का तोहफा मत देना, दिल से कोसे जिंदगी भर कोई तुम्हें, ऐसा मौका किसी को मत देना। बात संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। काश हमारी जिंदगी में एक डिलीट का बटन होता, ताकि हम कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, वो भी हमें यही सिखाना चाहती है कि किस्मत से पहले मेहनत होती है। नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और तुम जरा सा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। मेरी खुशी के लम्हे इस कद्र छोटे हैं यारो, गुजर जाते हैं मेरे मुस्कुराने से पहले। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। मुझे गलत समझने से पहले आप संतुष्ट हो जाओ कि आप सही हो। किसी के छोड़ जाने पर चिंता ना करें, गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि सही लोग आ सके। दूसरों को अपने बारे में सफाई देकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितनी उनकी औकात होती है। आपको जब भी लगता है कि आपने जिंदगी को पढ़ लिया है, जिंदगी अन्य कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता। किसी की अच्छाई का इतना फायदा ना उठाए कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रखना, बुरा हमेशा वही बनता है जो पहले अच्छा बनकर टूट चुका होता है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी प्रकार जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। यदि आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वो लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता है। कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए। बहुत तकलीफ होती है ना जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और से बातें करते हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जहां ज्यादा समय दोगे वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। वो अक्सर तुमसे कहते थे कि तुम उन्हें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे। अफसोस इस बात का है कि काश तुमने भी ये सवाल उनसे पूछा होता। लोग कहते हैं कि दुख बहुत बुरा होता है, हमेशा रुलाता है, लेकिन हम कहते हैं कि दुख बहुत अच्छा होता है, हमेशा कुछ सिखाता है। इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो। ये नादानियां ही जीवन में खुशियां लाती है, ज्यादा समझदार लोग हमेशा दुखी रहते हैं। सोचा ही नहीं था जिंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे, रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। जिसके मन में भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है।
आज परछाई से पूछ लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंसकर कहा, और कौन है तेरे साथ? कमाल का ताना दिया मंदिर में भगवान ने एक इंसान को कि हमेशा मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। अनुभव वो कंघी है जो जिंदगी आप उनकी बातों को भी पर्सनली मत लो। मैं चाहता तो उसको मना लेता, लेकिन वो रूठी नहीं थी, वो बदल गई थी। जिंदगी व्हाट्सएप के लास्ट सीन जैसी है, आपको छिपानी है और दूसरों की देखनी है। मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तख्तो ताज का मोहताज, मैं अपने हुनर और हंसी से लोगों के दिलों में राज करता हूं। शांत बैठा हूं तो यह मत समझना कि आग नहीं है मेरे अंदर। डरता हूं कि कहीं समंदर कम ना पड़ जाए बुझाने के लिए। कुछ चीजें पैसों से नहीं मिलती और मुझे उन्हीं चीजों का शौक है। जब जब आप चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो तो दुनिया को बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन एक आध बार भी यदि हकीकत बयां कर देते हो तो सबको बहुत बुरे लगते हो। बिगड़ते रिश्तों को संभालने के लिए कभी कभी दूर चले जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा कितना भी झगड़ा हो लेकिन उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी सांस तक करो, या तो एक सच्चा दोस्त पाओगे या एक अच्छी सीख पाओगे। गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है यदि आप में हिम्मत है अपनी गलतियां स्वीकार करने की। स्वयं से लड़े बाहरी दुनिया से क्या लड़ना। जो इंसान स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वो दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेता है। बातें झोंकों के साथ हवा में जल्द ही फैल जाती है, जरा संभल के बोलना दोस्तों, लौटती है तो रूप बदल कर आती है। हमेशा संदेह करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस लोक में है ना कहीं और। रक्त, चित्र, मित्र और चरित्र ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं होते, ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं। किताबें ऐसी शिक्षक है जो बिना कष्ट दिए, बिना आलोचना किए और बिना परीक्षा लिए आपको हमेशा सिखाती है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों में फायदा आपका ही है। सराहना से प्रेरणा मिलती है और निंदा से सबक। कुछ इकट्ठा भी उनके पास होता है जो बांटना जानते हैं, फिर चाहे भोजन हो, प्यार हो या फिर सम्मान। मुझे इतना नीचे भी मत गिराना भगवान कि मैं पुकारूं और आप सुन भी ना पाए, और मुझे इतना ऊपर भी मत उठाना कि आप पुकारे और मैं ना सुन पाऊं। पसंद है मुझे उन लोगों से हारना जो मेरे हारने से पहली बार जीते हो। मासूम लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेते रहता है। जिंदगी भी इसी समान है, यदि देते रहोगे तो मीठे बने रहोगे और लेते रहोगे तो खारे बन जाओगे। मनुष्य के दो रूप है, एक वह जो घने अंधकार में भी जागता रहे और दूसरा वो जो प्रकाश में भी सोता रहे। तुम हार जाओ इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम हार कर बैठ जाओ मुझे इस बात की चिंता है। दिल खोल कर इन लम्हों को जी लो यारो, जिंदगी अपना इतिहास फिर नहीं दोहराएगी। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता, जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जिंदगी में कभी भी उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। अपना वजूद ऐसे बनाओ कि कोई छोड़ तो सके लेकिन भुला ना सके। मुश्किलों से कह दो कि उलझा ना करें हमसे, हमें हर हाल में जीना आता है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे, इसलिए थोड़ा टेढ़ा भी होना चाहिए क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधी लकड़ी को ही काटा जाता है, टेढ़ी को नहीं। याद रखना, यदि कोई इंसान आपकी आंखों में धूल झोंकता है तो आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज चलने लगता है। किस इंसान पर भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक समान नजर आती है। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोप से ही मर जाते हैं। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना होता है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए दिल देना होता है। माया के चक्कर में पड़ोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन प्रभु के चक्कर में पड़ोगे तो निखर जाओगे। रिश्तों को जेबों में नहीं दिल में रखिए, क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं। मिजाज में थोड़ी सख्ती भी जरूरी है, लोग पी ही जाते अगर समंदर खारा ना होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि गोरिल्ला और लंगूर भी सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोता सिर्फ उसी के सामने है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जिंदगी में कभी प्यार करने का मन करे तो अपने दुखों से करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है जिसे जितना चाहोगे उसे उतना दूर पाओगे। क्यों ना सजा मिलती है आपको, मोहब्बत में आखिर आपने भी तो बहुत दिल तोड़े थे उस शख्स की खातिर। मुझे शतरंज बहुत पसंद है क्योंकि उसका एक नियम बहुत अच्छा है कि चाल कोई भी चले लेकिन अपना अपनों को नहीं मारता। अरे अकेला चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर ही होती है, बिना कदर के तो हीरा भी तिजोरी में रखा रहता है।
बड़ी चालाक होती है जिंदगी, रोज नया कल देकर उम्र छीनती रहती है। निगाहों से भी चोट लगती है जब हमें कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे यह एहसास मत दिलाओ कि वो सच में अंधा है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी से रिश्ता छोड़ना हो या तोड़ना हो तो जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा और समय दे ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कोई आपका विश्वास तोड़े तो उसे धन्यवाद करें, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। एक औरत की इज्जत क्या होती है ये एक बेटी का बाप बनने के बाद ही पता चलता है। उसके पहले तक तो वो एक खिलौना ही नजर आती है। कड़वा है लेकिन सच है। कई बार आप मेहनत करना शुरू करते हैं और गिर पड़ते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप उठते हैं, खड़े होते हैं और फिर से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर से आप नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पर कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि आपको अमीर बनना है तो ये तीन बातें हमेशा याद रखना। पहला, वो काम करके दिखाओ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरा, उधार लेकर कभी भी कोई काम शुरू मत करो। और तीसरा, पैसे से पैसा तो हर इंसान कमाता है, आप सोचिए कि दिमाग लगाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा करो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्तों को ऐसा रखें कि रिश्तों का कभी अंत ना हो। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ जाएगा लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ेगा। सिर्फ किसी को पा लेना प्यार नहीं कहलाता, प्यार तो किसी के दिल में जगह बनाने को कहते हैं। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अगर जीत की चाहत रखते हो तो खुद को मेहनत की आग में तपाना होगा। आज नहीं तो कल उसे एहसास हो ही जाएगा कि नसीब वालों को मिलते हैं फिकर करने वाले। मशहूर होने का शौक किसे है, मुझे तो मेरे अपने ही ठीक से पहचान ले वही काफी है। यकीन करो, वो जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है वो सिर्फ रब है। स्वयं को ज्ञानी समझो, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझने की मूर्खता मत करो। काश मोहब्बत में भी चुनाव होते, गजब का भाषण देते तुम्हें पाने के लिए। जब जब मुझे लगा कि मैं तेरे लिए खास हूँ, तेरी बेरुखी ने मुझे समझा दिया कि मैं झूठी आस में हूँ। वो बुलंदी किस काम की जनाब, जहाँ इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात साथ देंगे और ना लोग। शख्सियत दमदार होती है तभी तो दुश्मन बनते हैं, वरना कमजोर लोगों को कौन पूछता है। आपकी किस्मत भी कितनी अजीब है, आप हमेशा खुश रहना चाहते हो और ईश्वर आपको कोई ना कोई मुसीबत दे देता है। झुकने से रिश्ते गहरे होते हैं तो झुक जाओ, लेकिन हर बार यदि आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। वो समझे थे कि तमाशा होगा, लेकिन मैंने चुप रहकर बाजी पलट दी। तुम जानते हो मेरे दिल की बात, खैर छोड़ो, जानते होते तो मेरे होते। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे ये लोग उतना ही और दबाएंगे। अच्छा बनने के लिए कभी किसी के बुरे वक्त का इंतजार मत करो। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हो। सच्चा रिश्ता वो है जिसकी शुरुआत दिल से हो, ना कि जरूरत से। भीख और सीख ठोकर खाकर ही मिलती है। आप हंसकर अपनी गलतियां क्या कबूल कर लेते हो, ये दुनिया तो आपको मुल्जिम ही करार दे देती है, और जो लोग झूठे और फरेबी होते हैं उनको बहुत अच्छा मानती है। दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। इसलिए वक्त निकलने का इंतजार मत करो। क्या आपने कभी सोचा है कि उस किताब को पढ़कर एक व्यक्ति तो महान बन जाता है और दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है? ऐसा क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है। लिखने वाला अपनी भावनाओं को लिखता है, लेकिन पढ़ने वाला सिर्फ शब्दों को पढ़ता है। जिंदगी को ऐसा जियो कि आपका मजाक उड़ाने वाले खुद मजाक बन जाए। इंसान के शब्द कभी नहीं बोलते, उसका वक्त बोलता है। लोग कहते हैं रात में ओश गिरती है, हमने तो फूलों को अकेले में रोते हुए देखा है। रिश्तों की अहमियत को समझो, इसे जताया नहीं निभाया जाता है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, हमारे दुख भी नहीं। अभी सूरज नहीं डूबा है, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना क्यों ढूंढते हो, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम। पहले नाम तो होने दो। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब, हर शख्स अच्छा है,
लेकिन मरने के बाद कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भरोसा एक सीकर के जैसे है, यह दूसरी बार पहले जैसा नहीं चिपकता। नाम और पहचान बेशक अभी झूठी है, लेकिन जो भी है खुद की है। एक बार विवेकानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे कुछ मार्ग बताइए। स्वामी जी ने कहा कि ये मेरा कुत्ता है, इसे कुछ समय के लिए घुमा कर लाइए, तब तक मैं मार्ग खोज कर रखता हूँ। व्यक्ति थोड़े समय के बाद वापस आया। स्वामी जी ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है। व्यक्ति ने कहा कि मैं तो मार्ग पर सीधे चल रहा था, लेकिन इस कुत्ते को जो भी चीजें दिखाई दे रही थी ये उसी के पीछे भागता चला जा रहा था, इसीलिए ये इतना थक गया है। स्वामी जी ने कहा कि बस इसी में तुम्हारे प्रश्न का जवाब भी है। तुम्हें भी जीवन में जो भी चीजें दिखती हैं उसी के पीछे भागने लगते हो और कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं लगाते, इसीलिए तुम असफल हो। प्यार तीन तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उससे प्यार कर लो, ये एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वो मिल जाए, ये एक सफलता है। और तीसरा, ये जानते हुए भी कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा फिर भी आप उससे प्यार करें, ये सच्चा प्यार है। ये निश्चित है कि आपकी जिंदगी का हर इंसान आज नहीं तो कल आपको दर्द देगा। अभी आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए ज्यादा जरूरी क्या है, दर्द या फिर वो इंसान। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए, न कि अच्छा दिमाग। अहंकार और अंधकार में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अहंकार दिन में भी कुछ दिखने नहीं देता। जिंदगी में ये बातें हमेशा याद रखना, जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं, जो पछता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर रूठे उसे मनाना नहीं, जो नजरों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, और जो मौसम से बदले ऐसा दोस्त बनाना नहीं। ये तकलीफ है तो हिस्सा है जिंदगी का, डटे रहना घबराना नहीं। सुना है काफी पढ़े लिखे हो गए हो तुम, कभी कभी वो भी पढ़ लिया करो जो हम कह नहीं पाते। जीवन में किसी इंसान को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और यदि रोज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट भी ले आओगे तो फिर अगरबत्ती लगाने की भी जरूरत नहीं। किसी को आदेश देने से पहले खुद आदेश मानना जरूरी है, क्योंकि बात उन्हीं की मानी जाती है जो खुद अपनी बातों पर अमल करते हैं। अकेले रहना अच्छा होता है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मोबाइल की गैलरी और अपने दिल को इतना साफ रखो कि कोई खोल कर देखे तो शर्मिंदा ना होना पड़े। किसी की गलतियां गिनते समय उसकी खूबियों को नजरअंदाज मत कर देना। मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से, क्या पता उसके पास इनकार करने का भी वक्त ना हो। किसी को नहीं दिखते तुम्हारे आंसू, किसी को नहीं दिखती तुम्हारी पीड़ा, और किसी को नहीं दिखती तुम्हारी उदासी। लेकिन कितनी अजीब बात है, सबको दिखती है तुम्हारी गलतियां। खुशी आपके एटीट्यूड पर निर्भर करती है, आपके पास क्या है उस पर नहीं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जीवन में कभी आंसू आए तो खुद पोंछना, क्योंकि यदि लोग पोंछेंगे तो सौदा करेंगे। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके दिल की बातों को ऐसे